अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट को मेजर कैसे करते हैं? तो इससे पहले टॉपिक मैंने पढ़ा है, करंट हमारे पास दो तरह की होती है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक होती है कन्वेंशन करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशन करंट, दोनों की मेजरमेंट एक तरह से होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें कि इसका हमने पढ़ा था यूनिट इसका होता है एम्पेयर। एम्पेयर को हम ए से लिखते हैं, एक बड़ा यूनिट होता है। स्मॉल यूनिट इसका हो सकता है मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट, अच्छा इसके हो सकते हैं हमारे पास यूनिट्स। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि फार्मूला तो आपको पता है कि इसमें जो मोस्टली जो हमारे पास आंसर आता है न्यूमेरिकल में या एग्जांपल में, वो मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर में आता है, क्योंकि मिली एम्पेयर भी इतनी ज़्यादा करंट होती है कि इंसान को अच्छा खासा झटका दे सकती है, ठीक है। एम्पेयर इतनी हैवी होती है कि ये इंसान को जला देगी, ठीक है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट को मेजर कैसे करते हैं। अच्छा, हमारे पास ना तीन तरह के डिवाइसेज होती हैं। एक होता है गैल्वानोमीटर, दूसरा हमारे पास होता है वोल्टमीटर, और तीसरा हमारे पास होता है एमीटर। चलो मैं इसको एमीटर कह देता हूँ, वो इजी हो जाएगा ना। और ये हमारे पास होगा वोल्टमीटर और ये एमीटर। अच्छा, उसमें जो गैल्वानोमीटर होता है, इनफैक्ट ये होता है डिटेक्ट करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ये होता है करंट को मेजर करने के लिए, और ये होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है। वो नाम से पता चल रहा है वोल्ट। और ये एमीटर, क्योंकि एम इज एम्पेयर, एम्पेयर से निकला है, तो इसका मतलब करंट को मेजर करेगा। तो ये तीन तरह के डिवाइस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, करंट को डिटेक्ट करना, करंट को मेजर करना और वोल्टेज को मेजर करना। इसके बाद हमारे पास, अच्छा ये तीनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक होता है मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर के अंदर ये तीनों सारे होते हैं, तो मतलब वो एक अलग सी डिवाइस हो जाती है जिसके अंदर तीनों मीटर फिट हुए होते हैं। तो हम एक डिवाइस को यूज़ करके कुछ भी मालूम कर सकते हैं, चाहे वोल्टमीटर, वोल्टेज, करंट या फिर डिटेक्शन उसकी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लेबॉरेटरी में यूज़ होते हैं वो ये तीनों अलग अलग यूज़ होते हैं। चलें अब करते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट को मेजर हम कैसे करेंगे। अच्छा, करंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो एमीटर, लेकिन हम गैल्वानोमीटर डिटेक्ट भी करेगा और ये मेजर भी करेगा, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रहेगा। देखिए, जो गैल्वानोमीटर होता है वो मेजर करेगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ज़्यादा कम, बहुत मिलीमीटर में जो बहुत कम होगी ना, उसको ये थोड़ी बहुत मेजर कर भी लेगा कि इतनी है इसमें। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट हो, एम्पेयर में आ जाए, तो गैल्वानोमीटर उसको मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हम एमीटर यूज़ करते हैं। अगर बहुत बड़ी करंट है जिसके ग्रिड में होती है या जो खंबे की वायर में करंट होती है, उसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ किया जाता है, गैल्वानोमीटर नहीं। गैल्वानोमीटर तो बहुत माइनर सी करंट होती है ना, बहुत माइनर सी, जैसा कि चार्जर होता है मोबाइल का, उसके अंदर बड़ी माइनर सी करंट होती है, उस माइनर सी करंट को मेजर करने के लिए ये गैल्वानोमीटर यूज़ किया जाता है। ओके, अब मेजर करते हैं कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक बैटरी है, ये हमारे पास है एक बैटरी, ये इसका है एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। हम इसके साथ अटैच कर देते हैं एक बल्ब को, ये हमने बल्ब लगा दिया। चलें जी, मैं लगा देता हूँ, ये बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर ये आगे जाएगा एक, यहाँ से फिर आएगा, सॉरी यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल से आएगा इस तरह से। फिर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक स्विच हम ले लेंगे, ये एक बटन हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्विच, ठीक है, जो बटन हमारे पास होता है। अच्छा, फिर ये भी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब इसके दरमियान में हम लगा देंगे गैल्वानोमीटर, ये गैल्वानोमीटर हमारे पास डिवाइस होती है, और ये कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, इस तरह से, ये हमारे पास टर्मिनल होते हैं इनके, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिलाते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होती है रीडिंग की हुई है, तो यहाँ पर रीडिंग होती है सारी, ठीक हो गया। यहाँ पर नीडल होती है,
तो जहाँ पर भी नीडल डिफ्लेक्ट होगी हम कहेंगे इसके अंदर इतना इतना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो इस तरह हम इसे गैल्वेनोमीटर से इसको मेयर करते हैं। अगर हमारे पास करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एमीटर। तो एमीटर का भी यही काम होगा। अब जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, इसके अंदर रेजिस्टेंस चीज होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट। स्मॉल रेजिस्टेंस इसके अंदर लगी होती है गैल्वेनोमीटर या फिर एम मीटर, एक ही बात है। एम मीटर गैल्वेनोमीटर दोनों में बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगी होती है। इनके रेजिस्टेंस का मतलब कहते हैं रुकावट है। ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक में होगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर स्मॉल रेजिस्टेंस क्या होती है? देखिए, स्मॉल रेजिस्टेंस है, रुकावट कम है। तो मैक्सिमम अगर एक गली है, गली के अंदर रुकावटें कम है, एक गली जिसके अंदर रुकावटें ज़्यादा हैं, तो आप किस गली से मूव करना, गाड़ी लेकर मूव करना पसंद करेंगे? ऑफकोर्स उस गली के अंदर जिसमें रुकावटें कम है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग उसी गली से गुजरेंगे जहाँ पर रुकावटें कम है। तो जब इसके अंदर रुकावट कम होगी, इसके अंदर भी रुकावट कम होगी, तो मैक्सिमम करंट इसमें से पास करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, ताकि मैक्सिमम करंट गुजरे उसमें से, और जितना मैक्सिमम करंट गुजरेगा हम उसको मेयर कर सकें, ठीक हो गया। तो इसलिए इनके अंदर याद रखना आपने कि रेजिस्टेंस इनके अंदर बहुत कम होती है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई रेजिस्टेंस होती है, ज़्यादा रुकावटें की होती है। इसके अंदर रुकावटें इसलिए ज़्यादा होती है, जब रुकावट ज़्यादा होगी तो करंट कम गुजरेगा, जब करंट कम गुजरेगा तो हम वोल्टेज, क्योंकि इसके अंदर वोल्ट को मेयर करते हैं, वोल्ट मीटर में ना वोल्टेज को सिर्फ मेयर करते हैं। जब करंट कम गुजरेगा तो हमारे पास फिर दूसरी चीज़ क्या रह जाएगी? वोल्टेज। तो इसके अंदर इसलिए हम वोल्टेज को आसानी से मेयर कर सकते हैं, क्लियर। सो इस तरह हम करंट को मेयर करते हैं। जब हमारा स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन होना या फिर क्लोज होना एक ही बात है, ठीक है। ऑन स्विच को ऑन करना मतलब बल्ब जल रहा है, या इसको बोलते हैं दूसरा क्लोज, सर्किट हमारा क्लोज है फिर भी बल्ब जल रहा है, ठीक है। दोनों हम टर्म यूज़ करते हैं। तो जब हम सर्किट को ऑन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करने का मतलब बल्ब जल रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तब हम इसमें से करंट को मेयर कर सकते हैं। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास टेस्टर होता है, घरों के अंदर होता होगा, या जो होते हैं ना ये इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, ये करंट के से डिटेक्शन करते हैं। वो स्क्रू ड्राइवर टाइप होता है, उसके अंदर ना लाइट लगी होती है, उसको पीछे हाथ रखते हैं और सर्किट के अंदर लगाते हैं, या किसी भी में चेक करना कि इसमें करंट है या नहीं है तो उसमें लगाते हैं। अगर लाइट ग्लो करती है तो इसका मतलब है कि इसमें से करंट है, अगर लाइट ग्लो नहीं करेगी मतलब उसमें करंट नहीं है। तो वो भी एक कॉमन एग्जांपल आ जाती है हमारे पास गैल्वेनोमीटर की, कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ वी मेजर द इलेक्ट्रिक करंट।